गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है तिमलखाल गांव से। आज क्या मस्त प्यारा सुंदर सा मौसम हो रखा है, बादल भी लगे चारों तरफ, कितने प्यारे सुंदर से फूल लगे धनिया के, और इस एरिया में ना काफी प्यारी खुशबू आ रही है धनिया धनिया की। इस वाली जगह पे देखिए डन लाइन के जो फूल है ना, क्या प्यारे प्यारे सुंदर से फूल खिले। फूल खिलने के बाद लास्ट में इस तरीके से ना ये बीज बन जाता है, तो ये कितना प्यारा दिखाई दे रहा है ना, इस पे फूंक मारेंगे तो कैसे हवा में उड़ेगा। मैंने नाश्ता कर लिया और भाई यहाँ पे नाश्ता कर रहा है। चाची आज पराठे बना रही है गर्म गर्म, तो भाई इधर नाश्ता कर रहे हैं। और क्या मौसम हो रखा है आज, मस्त सुंदर प्यारा सा। आज अगर जो कहीं घूमने जाएंगे तो दिखाई नहीं देगा ना दूर दूर तक। आज का जो हमारा प्लान है, हम घूमेंगे आज तिमलखाल गांव, और देखते हैं कहाँ कहाँ का प्लान बनता है आज घूमने का। इस मकान को बने हुए नीवी हो गए होंगे 200 से 300 साल तो हो ही गए होंगे, इतना पुराना ये मकान है। तो ये आज का नहीं है, पता नहीं कौन सी साकियों का है, कौन सी पीढ़ियों का है दादी। कद का पुराना चो मकान है को? यो वाला मकान ये तो अब सोपर की का ना हुआ, अब टूट गया वो। तो आज थोड़ा गांव घूमते हैं, फिर मिलते हैं। ये वाला गांव नहीं घूमेंगे, दूसरे गांव घूमेंगे थोड़ा। तो दोस्तों ये जो मकान है ना, आज के टाइम पे देख रहे होंगे कितनी पुरानी लकड़ी है, या आज के टाइम पे ये लकड़ियां सड़ सी चुकी है। अब ये मकान जो है, ओए भूकंप आ रहे क्या, कि मैं गलत जगह में खड़ा हुआ हूँ, गलत जगह पर हूँ। ये जो लकड़ियां है ना, बिल्कुल ये अब पुरानी हो चुकी है, अब सड़ना शुरू हो चुकी है। ये तो काफी पुराने पुराने मकान है यहाँ पे, ये पूरा लकड़ी का बना है। हर गांव में एक पंचायत चौक होता है, इस गांव का पंचायत चौक यही वाला है। और यहाँ पे ना कितना खुला खुला बरामदा एरिया है, चौक है ये, और ऊपर साइड भी गांव है। यहाँ से देखिए पूरा का पूरा तिमलखाल गांव, जो भी है जितने भी मकान है ना तिमलखाल गांव में, यहाँ से पूरे दिखाई दे रहे हैं। एक नीचे कोने में भी है यहाँ पे, तो ये है तिमलखाल गांव, छोटा सा गाँव है, प्यारा सा गाँव है। आज ना मूड खराब हो रहा है मेरा, गांव जाने का मन कर रहा है सुबह से ही। आज मतलब कितने दिनों से मैं यहाँ, चार पाँच एक हफ्ता होने वाला है मुझे यहाँ रह के, मेरा यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूँ कि आज सुबह से मेरा प्लान था कि घर जाने का प्लान बन नहीं पाया। तो अभी थोड़ा इनके गाँव में भी लोग वगैरह कुछ लोग है नहीं, तो हम अभी पांग में आए हैं, मार्केट जाएंगे, मार्केट से घूम के आएंगे, पांग गाँव में तो नहीं जाने वाले। चले फिर, तो हम दोनों चलते हैं फटाफट घूम के आते हैं पांग से। पांग मार्केट में आए हैं, स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो चुकी है ना अभी, यहाँ पे भी कैसा लग रहा है एकदम सुनसान सा ना। आज वैसे भी बादल से लगे और मौसम भी खराब सा हो रखा है, और ऊपर साइड में धूप भी आ रखी है, थोड़ा गर्मी से भी लग रही है। तो चलते हैं अब, भाई कह रहा है कि पांग में जाना है, देखते हैं पांग में ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, इसका कुछ पता नहीं होता, बोलता यहाँ है जाता कहीं और है। तो क्यों, स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, और ये देखिए होली खेल के आ गया, अब ये शर्म आ गए, भागो कैमरे वाले आ गए। चलो कोई बात नहीं, देख रहे हो ये कितना तेज है। अभी कह रहा था कि पांग में जाएंगे हम घूमने के लिए, पांग में तो लेके नहीं गया, पर अब इस साइड में बैठे, पांग पीछे साइड में रह गया, और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक चिप्स खाते हैं फिर चलते हैं घर की तरफ। सुस्ती आ रही है यार आज पूरे दिन भर मुझे। पांग गांव से आने में उस साइड से घूमते हुए लेट हो चुके हैं, अभी क्या करते हैं कि 2:30 बज चुके हैं, और लंच करते हैं, फिर आपको लंच करने के बाद मिलते हैं। फोन में बैटरी भी नहीं है तो फटाफट से चार्ज लगाते हैं। खाना खाने के बाद अभी थोड़ा घूमने आए, और ये जो बोगटिया है ना, ये भाई मरगोला बोगटिया, ये देखिए ये अभी छोटा है, इसको ट्रेन कर रहे हैं, जब ये बड़ा होगा ना तभी आदमी को दौड़ाएगा। मारेगा ये। और ये बकरी का बच्चा चिनकी, कितनी छोटी है ना, इसी की तरह ही है, बिल्कुल सफेद, कितनी प्यारी है। ओए ये कह रही है इधर मत आ, कैमरा खाने के लिए आ रही है। अरे नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं अब उकाल गांव की तरफ। और ये कितना आतुर हो रहा है लड़ाई करने पे, ए बोगटिया तेरे को तो मैं फिटनेस बना दूंगा तेरी, यहाँ कर दूंगा ऊपर उल्टा टांग दूंगा। आज बनाने वाले हम चमचूड़े। चमचूड़े क्या होते हैं? चमचूड़े मतलब मीठे चावल एक किस्म के। हाँ मैंने खाए हैं पर बनते हुए नहीं देखे मैंने, तो आज हम बनाएंगे और खाएंगे भी। चावल यहाँ पे अपने भिगा के रखे हैं, साथ में गुड़ है। तो सबसे पहले यहाँ पर तेल में चेक किया है चावल डाल के कि तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें कोई भी तड़का नहीं मारता, जैसे हम भंगलू और साथ में यहाँ पर तिल रखे हैं तो इसका तड़का नहीं मारते, सीधा सीधा चावल को भूनते हैं।
तो चावल को अच्छे से भुनना है। और चावल तेल में जाते ही ना देखो फूलना शुरू हो गए, यहाँ पर देखोगे फैलना शुरू हो गया। देखो अब इनको अच्छे से भुनना शुरू करेंगे। काफ़ी लंबा प्रोसेस है दरअसल, इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, जो भुनने वाला प्रोसेस है इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। आज सुबह नाश्ता करने के बाद हम बना रहे हैं यहाँ पे चमचूड़े, हम तो नहीं पर चाची बना रही है भुटिया चूड़ा, जो हाँ जिसको गढ़वाली लैंग्वेज में बोलते हैं अपने भुटिया चूड़ा। जब ये चैत के महीने में धान बोए जाते थे ना, हाँ हाँ, तब इनको बनाते थे, खेतों में ले जाते इनको बनाते थे। हाँ पहले के लोग ना इनको खूब खाते थे और अब समय के हिसाब से थोड़ा कम कम कर दिए, बनाने भी कम कम कर दिए और बनाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो अब हम आज बनाने वाले हैं स्पेशल, जो पोपले लोग है ना पोपले लोगों के लिए नहीं होता है। हाँ जिनके मतलब जिनके दाढ़ी दांत नहीं है ना उन लोगों के लिए चमचूड़े नहीं है। तो ये अब भांग के दाने इसमें ऐड करने वाले, एक बार भांग के दाने दिखा दो मम्मी। तो ये देखो कितने मस्त है ना ये दाने, जिसको खाने से इंसान झूम जाता है यानी कि बोरा जाता है बौखला जाता है, वही अब इसमें ऐड करने वाले हैं। तभी तो इसको खाने के बाद में ना चुस्ती तंदुरुस्ती फुर्ती सब कुछ आई रहेगी बदन में ना। ऊपर से थोड़ा भांग के दाने भी डाल दिए, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं चमचूड़े बनने का। अब बंद कर दिए बनाने ना, कम कम बनाते हैं। चमचूड़े बनाने की जो सामग्री है ना इसमें है तिल और इसमें है भांग के दाने। भांग के दाने अभी डाल दिए ऊपर से, साथ में उस साइड में गुड़ भी है, छोटे छोटे टुकड़े करके रखे, काट के रखा है गुड़। तो इनको बढ़िया से भुना जा रहा है अभी इसमें, तो जैसे जैसे ऐड हो गए ना तो उसके बाद में ऐसे ही मिक्स करेंगे इसमें, मतलब इसमें ये भर भर के तिल भी डाल दिए दोस्तों। तो ये काफी ना मतलब सेहती होने वाला है, सेहत के लिए भी काफी अच्छा होने वाला है। अभी के टाइम पे अपने जो चूड़े हैं एकदम बढ़िया से भुन चुके हैं और बन के रेडी हो चुके हैं। हाँ अभी टेस्ट करते और बताते हैं ये कैसे बने, कैसे है ना ये इनका कलर देखे गोल्डन कलर के, टेस्ट करते हैं भाई कैसे बने। एकदम मस्त बढ़िया बने कड़कड़े। पोपले लोग है ना जिनके एक ही काम है बस, उसमें इसमें हल्की सी गोल्डन कलर के लिए हल्दी भी ऐड की है और गुड़ चूस हो। और जिनके दांत नहीं है ना, जिन लोगों के दांत नहीं है और जिनके एक दो दांत बचे हैं, जिनके दांत नहीं है उनके लिए तो है नहीं, जिनके एक दो बचे हैं वो भी नहीं बचेंगे इसको खाने के बाद। यहाँ पे देखिए कीवी के जो बेल हैं उनमें अब पत्तियाँ आना शुरू हो चुकी हैं, कुछ टाइम बाद यहाँ पे अब कीवी भी आना शुरू हो जाएंगी, तब एक दो किलो हम भी लेके जाएंगे यहाँ से। हम देने नहीं आएंगे, हम लेने आएंगे ना खुद। वो खाएंगे भी हम, देंगे भी हम खुद लेने आएंगे। सुबह सुबह आए थे हम इस साइड में घूमने के लिए और भाइयों को नीचे छोड़ने गए थे, बाकी सुरेंद्र और ध्यानी भाई जा चुके अपने गांव और मैं अभी भाई के साथ रहूंगा, फिर उसके बाद हम दोनों भी जाएंगे। अच्छा शायद बोल शायद आगे शायद काक छे शायद पता नहीं मधुमक्खी का शायद मैं शायद नहीं पता, जो सफेद कपड़े में चला गया था भूत। हां वही बोला वही शायद इनको शायद बोलता मैं डर गया भाई। अच्छा अच्छा इसने सफेद कपड़े पहन रखे अंकित भाई ने ना, दोनों ने आपने भी और उसने भी। अच्छा हाँ मैंने भी सफेद ही पहने, मैंने सोचा वो आगे बैठ जाओ चाय। ना ना चाय ना, अभी खाने पीने का टाइम हो रहा है अभी हमारा, बाद में वाला था शाम बता टाइम फिर। तो नीचे से रोड से घूमते हुए आ रहे हैं और अभी जाएंगे सबसे पहले घर पे, नाश्ता पानी करेंगे और नाश्ता पानी करने के बाद फिर प्लान बनाते हैं कहीं बढ़िया सी सुंदर सी जगह पर जाने का। आज किरकू की तरफ में चलते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बाल बुल कटाएंगे। ताऊजी का उधार भी देना वहाँ पे। उधार सभी का ही है यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए कितना पुराना घर है और इसको बोलते हैं यहाँ पे मंदरू, ये चिलाऊ से बनती है, जो चिलाऊ होता है ना गेहूं की घास। हाँ गेहूं की घास से ये मंदरू चटाई बनती है, कितनी पुरानी और आज भी वहाँ पे टांग के रखी है सेप वैसे की वैसी, अब यूज कोई नहीं करता उससे, दरअसल होता क्या है ना खैर वगैरह हो जाता है उससे, उस पर पाँव लगते हैं तो हल्का हल्का चूरने से लग जाता है। और एक मंदरू यहाँ तीन मंजिला वाली बिल्डिंग में भी ऊपर देखेंगे आप, यहाँ पे भी मंदरू है।
तो ऐसे ही थोड़ा गांव से घूम रहे थे, अब घूमते हुए ऊपर चलते हैं घर की तरफ में। और आज दादाजी भी काफी दिन बाद दिखाई दिए। नमस्कार दादा, और सब ठीक ठाक, तबीयत पान बढ़िया? क्या होने पर नहीं ताजी, क्या होना, तुम सुना नहीं ताजी, दिन में ही घूमना से। हाँ आज नहीं की, हाँ ये भी ठीक होना चाहिए। आज नहीं की छानी में, आज थोड़ा डस्ट पे ही है, घर पे ही है। तो इस साइड से चलते हैं, यहाँ पे देखिए कितने पुराने पुराने मकान हैं डिंडेली। तो इनकी कंडीशन देख के पता चलती है कि हाँ ये एक्चुअल में कई साल पुराने हैं, कई सौ। तो अभी थोड़ा दूसरे नए रास्ते से होके जा रहे हैं, बाकी फटाफट से चलते हैं। ये वाला मकान देखिए भाई साहब कितना पुराना है ना, और आगे साइड में ये देखिए पूरी लकड़ी की यहाँ पे भी डिजाइन, जो कलाकारी है लकड़ी की गई है बाहर साइड में। नीचे साइड में तो अब सीमेंट वगैरह लगा दिया है क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया था ना ये, और हाँ बाहर साइड में ये सीमेंट किया है, पर अंदर साइड में आपको पूरा पत्थरों का ही मिलेगा। गजब, इसको देख के लग रहा है ना हाँ है ये आज से कई सौ साल पुराना, आज भी बचा के रखा है। इस तरीके के पुराने जो मकान है बचा के रखे हैं। अभी थोड़ा घूमते हुए जा रहे थे, यहाँ पे देखिए नीचे साइड में धनिया, ऊपर साइड में डंडेलाइन, और डंडेलाइन के कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे फूल खिले, और ये बीज बन चुके हैं ये वाले। तो इसकी कीमत ना मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। आज सुबह से कहीं गए नहीं है, अभी दोपहर के एक बज रहे हैं। अभी करना क्या है कि यहाँ पे एक दो छोटे से खेत है, एक खेत वो वाला है, एक खेत ये वाला है। खेत तो नहीं बोलेंगे, फांगी क्या बोलते हैं इसको, क्यारी, इसको कहते हैं कि क्यारी बनाना। उधर भी मर्च लगाएंगे, यहाँ पे भी मर्च लगाएंगे। ये धनिया हटा देते हैं पहले यहाँ से, तो ये खाने के काम आ जाएगा। थोड़ा हटा दिया ये, इसको भी क्लियर हटा देते हैं, पहले इसको काम खत्म करते हैं पहले। अभी हमारा प्लान बन चुका है किरखू मार्केट जाने का, घर में भी टाइम पास नहीं हो पा रहा, गाँव में लोग रहते नहीं है, बहुत कम लोग हैं ना गाँव में। तो यहाँ से किरखू मार्केट जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ काम भी है, वहाँ से घूम घाम के आएंगे। किरखू मार्केट यहाँ से 15 किलोमीटर है, और अभी चलते हैं यहाँ से घूमते फिरते एकदम न्यूट्रल में। किरखू मार्केट से भी घूम के आ चुके हैं, इस साइड में ऐसा लगता है ना जैसे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा सुस्ती भरा माहौल, तो इस साइड में सुस्ती आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।